बांके बिहारी मंदिर। तो बहुत दिनों बाद एक टूर लग रहा है हमारा, पिछली बार हम खाटू श्याम गए थे और वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो अब हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। और आपको पता है मैं किस चीज़ से निकलूँगा बांके बिहारी जी मंदिर? बाय रोड चलेंगे और मेरी गाड़ी है, फोर व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर है। लेकिन कौन सी फोर व्हीलर है मैं आपको दिखाता हूँ। हम इससे चलेंगे, इस फोर व्हीलर से चलेंगे और फुल एसी है। तो ये थी मेरी गाड़ी, ये। तो गाइस हम इससे बांके बिहारी मंदिर चलेंगे और देखेंगे कितनी देर में हम पहुंचते हैं बांके बिहारी मंदिर। तो गाइस ये मेरा साथी है, इसी पर बैठकर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर। तो मैं सुबह 5:30 बजे निकलूँगा क्योंकि रोड बिल्कुल खाली है। तो चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। तो गाइस सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है और अब हम निकल चुके हैं सुमसाम सड़कों पर। देखिए सब तरफ अंधेरा ही, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो गाइस मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए ठंड पड़ रही है थोड़ी थोड़ी और अब हम निकल चुके हैं आगरा के रास्ते से, फरीदाबाद होते हुए जाएंगे। तो गाइस ये आ चुका है पहला टोल टैक्स। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को साइड से निकाल कर ले जाएंगे क्योंकि स्कूटी साइड से निकल सकती है। तो गाइस देखिए अभी सुबह है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ हरियाणा के अंदर, हमने पहला टोल टैक्स पार कर लिया है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम अपनी गाड़ी से बांके बिहारी जी मंदिर जा रहे हैं। और देखते हैं अब हम कहाँ कहाँ घूमेंगे इस गाड़ी से। तो गाइस चलते हैं और पूरा एंजॉय करिए आप मेरे साथ। तो कितने बजे हम वृंदावन पहुंच पाते हैं? तो चलते हैं और मौसम भी साफ है। ये बांके बिहारी लाल की जय। ये फोटो खिंचवाई चाहिए थी है ना? गाइज हमें 2 घंटे हो गए हैं कम से कम चलते चलते। तो इस ढाबे में हम जाकर थोड़ी चाय की चुस्की मारते हैं और हमें भी आराम मिल जाएगा और थोड़ी गाड़ी को भी हमारी आराम मिल जाएगा। तो चलते हैं। तो गाइज देख रहे हैं आप कुल्लड़ की 2 कप चाय, एक मेरी और एक मेरी गाड़ी की। तो गाइज देखिए मैं उसकी भी चाय पी जाता हूँ चाय में तो स्वाद है, कुल्लड़ की चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है।
और इसके साथ हम थोड़ी सी नमकीन भी ले रहे हैं। देखिए गाइस कितना मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह का वक्त, कुल्हड़ की चाय हाथ में, वाओ क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो गाइस हम चाय पीकर निकलते हैं और ये मेरी गाड़ी देखी बेचारी चुपचाप खड़ी है थकी हारी, इसे अभी बहुत आगे तक जाना है, तो इसको भी मैं कुछ खिला पिला लूँगा रास्ते में, सुबह तो खिला के लाया हूँ। तो गाइस ये मेरे मूंगफली के दाने हैं जो मैंने अभी चाय के साथ चबाए हैं, और देखिए कितने अच्छे दाने इस चाय के साथ मैंने इनको चबाया। वृंदावन के लिए इधर जाएंगे, तो गाइस हम वृंदावन आ चुके हैं और ये है मुख्य द्वार वृंदावन के अंदर का रास्ता। तो गाइस अंदर जाते ही आपको माँ वैष्णो देवी धाम मिलेगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस मंदिर है। जब भी आप वृंदावन आएंगे आप यहाँ ज़रूर जाइए, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। अपने पूरे परिवार के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करिए। तो गाइज़ हम कुछ ही देर में प्रेम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। अभी हमने माता वैष्णो देवी मंदिर दिखाया आपको, अब हम प्रेम मंदिर आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ बस कुछ ही देर में आपको प्रेम मंदिर देखने के लिए मिलेगा। ये बाके बिहारी मंदिर जाने का रास्ता है सीधा, और एक ये देखिए गाइज़ ये आ चुका है प्रेम मंदिर, आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर का द्वार। हम आपसे माफ़ी चाहेंगे गाइस, हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और यहाँ काफ़ी भीड़ है, तो मैं गाड़ी नहीं लगा पाऊँगा, तो प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है मुझे। ये है श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल, देखिए गाइस ये बलराम जी का मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। देखिए मैं आपको बस यहीं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको अंदर तक नहीं दिखा पाऊँगा जाकर। तो गाइज़ हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम चलते हैं बाके बिहारी मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए, अपने बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है और यहाँ सब बाके बिहारी जी की जय जयकार कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर। देखिए सब खोए हुए हैं अपने मदहोशी में, और देखिए गाइस हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और कितनी भीड़ देखने को मिली है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है। और मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना, तो प्लीज़ गाइस मुझे इसके लिए भी माफ़ी दीजिए। और मैं बाके बिहारी जी के दर्शन कर चुका हूँ और अब हम आगे के लिए चलेंगे। तो गाइज़ हमने बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और हम 5:30 बजे चले गए और हमने दर्शन किए 10:30 बजे। तो गाइज़ हमें बहुत मज़ा आया और अब हम चलते हैं निधिवन। Gracias.
थोड़ा निकालोगे अंदर जाए पैसे लीजिए इससे तो गाइज राधे राधे। आप देख सकते हैं निधि वन के अंदर कितनी भीड़ है, सारे श्रद्धालु यहाँ निधि वन के अंदर आए हैं। मैं पहले भी निधि वन में आया हूँ तो मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी देखी है भीड़, काफ़ी भीड़ है यहाँ। देखिए आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो गाइज़ हमने निधि वन के भी दर्शन कर लिए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं पूरे चेहरे पर राधे राधे लिखा है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो गाइज अब हम चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा पर। तो गाइज हम गोवर्धन आ चुके हैं और यहाँ पार्किंग की सुविधा है, यहाँ पार्क कर सकते हैं आप अपनी गाड़ी जब गोवर्धन आएंगे परिक्रमा करने के लिए। तो गाइज से पहली परिक्रमा आपकी स्टार्ट है, यहाँ माथा टेकिए और अपनी परिक्रमा स्टार्ट करिए। तो गाइज मैं तो गाड़ी से कर रहा हूँ परिक्रमा, आप यहाँ पैदल भी कर सकते हैं और पैदल ही करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है पैदल। क्योंकि गाइज आप जानते हैं मैं चल नहीं सकता ज़्यादा देर, तो मैं इसलिए अपनी गाड़ी से ही परिक्रमा कर रहा हूँ। पेट भर गया इनका। नदी के से आगे बस ज्यादा मत दे, अरे नहीं यार कुछ करे। ¿Qué?
यहाँ खिलाने चाहिए थे। हम जा रहे हैं बोलो बाबू गाइस, हमने गोवर्धन महाराज के दर्शन किए और ये मुखारविंद मंदिर है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। प्यार रखने के लिए भी जगह नहीं, यहाँ दूध चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और अब हम यहाँ चलते हैं। तो गाइस, ये जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर और आएगा, तो यहाँ पर आप 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ 7 परिक्रमा लगाई जाती है, चारों तरफ आप घूमेंगे और 7 बार। तो गाइस, हमने मुखारविंद के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे के लिए चलते हैं। थोड़ी छोटी परिक्रमा तो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मैं परिक्रमा लगाते हुए और अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये परिक्रमा के बीच में भाई साहब बर्गर और पेस्ट्री बेक रहे हैं, तो हम पेस्ट्री खाते हैं फिर बर्गर खाएंगे। शनिवार भी तो पड़ गया ना, शनिवार भी तो पड़ गया। ये नहीं बनाए यही परिक्रमा लगाते थे ना।
भाई आना था। तो गाइज ये है राधा कुंड, यहाँ देखिए कितनी भीड़ है राधा कुंड पर। देखिए यहाँ पर स्नान भी किया जाता है और कितनी अच्छी पूजा पाठ चल रही है यहाँ पर। देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। रुक जा, उधर आ जा, उधर उधर खाली है। चल जा तू करिया, तू करी ना ये तो मैं आ रहा हूँ, रुक जा अभी। अरे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? पूरा हो जाए काम हमारा, फिर रास्ते में बीच में खाना खा लेंगे, है ना? जंगल के से निकल जाएंगे थोड़े से, आ जाएंगे, है ना? उससे मतलब होता है मैं तो तो गाइज आप देख सकते हैं मानसी गंगा मंदिर में हम आ चुके हैं और यहाँ देखिए कितना सुंदर सजा रखा है यहाँ पर मानसी गंगा, कितना प्यारा मंदिर सजा रखा है गुब्बारों से। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है यहाँ पर, कितने अच्छे फूल यहाँ लगाए हुए हैं और देखिए बहुत प्यारा मंदिर सजाया हुआ है। देखिए मंदिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करते हैं चलते हैं फिर हम मानसी गंगा में थोड़ा सा स्नान करेंगे। ये है गाइस मानसी गंगा, यहाँ पे देखिए सब स्नान कर रहे हैं और हम भी अपने ऊपर थोड़ा सा जल डालेंगे। देखिए यहाँ पर ये पाइप के ज़रिए दिया गया है ताकि सब आगे ना जाएं और इसमें ही स्नान करें और दर्शन करें। लेकिन नाव भी हैं यहाँ पर तो हम भी चलते हैं गाइस स्नान करने के लिए।
तो गाइज हमने मानसी गंगा के दर्शन कर लिए हैं और हमने स्नान भी कर लिया है और अब हमारी यहाँ से 1 किलो या 0.5 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। आगे बाहर दिल्ली वाला, आगरा दिल्ली वाला। अच्छा अच्छा, सामने बाकी बैठ जी मंदिर भी आता है, है? बाकी बैठ जी का मंदिर भी आता है सामने। हाँ, हाँ, पुल आता है ना पार करके, पुल पार करके वृंदावन है वो। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। मैं देख रहा हूँ बहुत देर हो चुकी है और जंगल हो गया यहाँ पर, रास्ता सुनसान हो गया और हम गोवर्धन की परिक्रमा करके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसे निकलते हैं यहाँ से हम। वैसे तो गोवर्धन महाराज की कृपा है और बाकी बैठ जी का आशीर्वाद है और हम यहाँ से आराम से निकलेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ कितना सुनसान एरिया हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस देखिए कितना सुनसान है यहाँ पर, यहाँ पूरी तरफ रात हो चुकी है और यहाँ हम शाम हो चुके हैं। यहाँ से हम 6 बजे निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और हम देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ 6 बजे भी अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, देखिए गाइस, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम चालू हो गया इसी वजह से। तो गाइस मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, अब हम मैं आपको इससे आगे वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। अब मैं सीधा दिल्ली पहुँच के ही थोड़ा बता पाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ से जितना जल्दी हो सके हमें निकलना है। तो गाइस हम निकलते हैं अब दिल्ली के लिए। तो गाइस मैं यहाँ होटल में बैठा हूँ, मैं फरीदाबाद से थोड़ा पहले ही रुका हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और हमने जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। और ये मेरी बिचारी गाड़ी है जिसने मुझे दर्शन कराए हैं और ये भी भूखी है, इसे भी कुछ खिलाऊंगा रास्ते में। तो ये गाइस ये मेरा खाना आ गया है और अब हम खाना खाएंगे और चाय पियेंगे, फिर यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। दिल्ली यहाँ से 31 किलोमीटर है गाइस, यानी कि 1.5 घंटे का रास्ता मेरी गाड़ी से, जल्द ही पहुँचेंगे। और फिर जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह की वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और पहली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप मेरी बहुत प्यार देना। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।